हमेशा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ यूनिक करूँ, लेकिन हर दफा ही जो सा है वो लेट से लेट कुछ यूनिक चीज़, आपको पता है यूनिक तो फिर वो चीज़ भी यूनिक ही होती है, इसलिए वो जल्दी नहीं मिलती, तो वो जल्दी बनती भी नहीं है फिर। इसलिए मैं हर दफ़ा की तरह अब नहीं करने वाला, अब आज जो सा है एक ब्लॉग बनाया है लगा, ये वाला ब्लॉग जो सा है, तो ये हम जितने जिस तरह के मैंने ब्लॉग हमेशा देखता आ रहा हूँ उसी तरह का ब्लॉग आज मैं बना लूँगा, तो ट्राई करते हैं फिर क्या बनता क्या। आगे तकरीबन 10 बज रहे हैं और नाना वो ने आते साथ ही कह दिया कि सुबह जो सा है ना हमने शकरगढ़ जाना है, तो अभी बाइक का भी थोड़ा सा काम करने वाला है, तो बाइक का काम करने लगा हूँ, तो बाकी सुबह की सूरत हाल देखते हैं क्या बनती है, बाइक सही होती है तो फिर उसके बाद कुछ सेटअप करते हैं। स्पेशली जब भी कहीं जाना है ना तो तभी माशाल्लाह मेरी बाइक जो सी है ना वो ख़राब होती है, और आगे पीछे ऐसी एकदम फिट होती है, एकदम काम करके रखा होता है आगे पीछे बाइक का। ऐसे तो हमारे यूनिक काम है माशाल्लाह से। सुबह की रिपोर्ट कुछ यूँ है कि सुबह 5:15 बजे नाना उन्होंने उठा दिया, और इसके आगे की रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह हम आपको सफर में देंगे। प्रोग्रेस कुछ यूँ है कि नारंग मोड़ हम आ चुके हैं, तकरीबन 60 किलोमीटर शायद करती है, तो उससे आगे अब हम यहाँ पे रुक के चाय पी रहे। कपड़ों का हाल बुरा यहीं पे हो गया है, मट्टियों मट्टी कपड़े हो गए हैं, और रास्ता भी कुछ ख़राब था, कीचड़ वाला रास्ता था, तो कपड़े और बूट वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। बाकी आगे से पता चला है कि कुछ रास्ता जो है वो ठीक है। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए और अभी आधा सफ़र भी नहीं हुआ। अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 2 घंटे मैंने ऐसे रोड के ऊपर सफ़र किया है जिसके ऊपर मैं अगर अपने काम के लिए जाता तो मैं वापस आ जाता, लेकिन नाना वो की वजह से मुझे जाना पड़ा। इतना बुरा रोड मैंने आज तक कभी सफ़र नहीं ऐसे रोड के ऊपर किया, और ना ही मैं करना चाहूँगा आइंदा, लेकिन जो मज़ा आगे सफ़र में आया उस वजह से ये ख़राब रोड जो है वो मुझे भूल गया। वैसे तो मैं बाइक के ऊपर लाहौर से मरी और करीब पेशावर के करीब भी गया हूँ, वो अलग बात है कि वो मेरा जो ब्लॉग है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी वीडियोस मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी मैंने वो डाली नहीं है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जो ये रास्ता था ना ये ज़्यादा ख़राब था, वो रास्ता इतना ख़राब बिल्कुल भी नहीं था, वो तो काफ़ी शानदार रास्ता था इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो, लेकिन बाकी ये है कि मज़े तो फिर यहाँ पे भी आए हैं। सीन कुछ ऐसे हैं कि 102 किलोमीटर सफर हो गया है। अमरूद पार्टी टाइम, क्या सूरत हाल है, कैसा सफर जा रहा है, सफर बताओ कैसा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा थक गए हो? आओ रस्ते में करतारपुर गुरुद्वारा भी था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं गया नहीं, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो मैंने किसी को दिखा के क्या करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाबे शकरगढ़ पहुंच गए हैं हम। लें जी शकरगढ़ का मौसम देख लें और शकरगढ़ के बादल भी देख लें, अपना काम तो हो गया, अपन ने हाथ लगा लिया और अब हम वापस जा रहे हैं लाहौर। इतनी सी देर का काम था, 2 घंटे का रेस्ट भी हो गया, 2 घंटे बैठ लिए हम और अब हम चल लिए वापसी। तकरीबन 200 किलोमीटर सफ़र करके वापसी आकर सेम पॉइंट पर बैठे हैं जहाँ पर सुबह नाश्ता किया, शाम के 5 बज रहे हैं और 50 किलोमीटर रह गए, और 50 किलोमीटर के बाद अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से घर पहुँच जाएंगे। एक बंदे के कहने के ऊपर मोटरवे पे हम चढ़ गए हैं, बाकी ये है कि वक्त अल्लाह मालिक है, अब आप देख सकते हैं मोटरवे के नज़ारे। ये है कि मुझे पता है जिस तरह का सफ़र मैंने आते वक्त किया था, लेकिन जो मज़ा मुझे मिला है उस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि फूल तोड़ते वक्त कांटे तो ज़रूर चुभते हैं।
160 किलोमीटर सिर्फ हम जो है वो एक ही दिन में गए हैं और आए हैं। सुबह 7 बजे हम घर से निकले हैं और 7 बजे शाम को हम अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस पहुंच गए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 158 किलोमीटर यहाँ पे शो हो रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे भी हम पता करने के लिए गए थे। द बेस्ट पार्ट इन ऑल दिस इज दैट के मैं अपनी परनानी से मिल गया है। ये जो वीलॉग है ना, ये यूनिक नहीं बना, लेकिन जो हम कोशिश नहीं कर रहे थे, हम शकरगढ़ नाना बुगाम वैल छोड़ रहे हैं, ये यूनिक काम हमने कर दिया। मुझे पता है मुझसे वीडियो यूनिक नहीं बनी, जिस तरह की मैं देखता रहता हूँ उस तरह की वीडियो बनी है या फिर उससे भी कम बनी होएगी, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब का नहीं कहने वाला, अल्लाह हाफिज़ कह दूँगा बस, अल्लाह हाफिज़। जाते वक्त रास्ते में दो खोते डोंकीज़ रस्ते के ऊपर खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ रोकी हुई थी, उनकी वजह से रोड ब्लॉक हुई हुई थी थोड़ी सी। मुझे नाना बाबू पीछे बैठे हुए कहते हैं, अदनान साइड से होकर निकल जा, वो देख वार्डन खड़े हुए हैं, तो उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। ओह नो।